नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय वाराणसी में हूं। हमारे साथ बहुत ही फेमस आदमी जो मिश्रा जी बनारस वाले के नाम से जाने जाते हैं। मिश्रा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, अभी बयान दिया आप कि भाजपा में जल्लाद मिश्रा पंडित जैसे भी आपके शब्दों में कहा जाए, तो आप सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए। हाँ, जैसे वो जो है कि वो लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये राष्ट्रद्रोही है। उन लोगों को तो राजनीति करना, आपको भी करना। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? हम नहीं, आप मान रहे हैं कि हम भी राजनीति करेंगे? हाँ, अरे आपको क्या लग रहा है हम एमएलए के कैंडिडेट रहे यहाँ बनारस में, हम मेयर के कैंडिडेट रहे, तो क्या हम कूड़ा उठाने के लिए आए? यानी आप भी राजनीति कर रहे हैं लास्ट पे? अरे हम लास्ट पर राजनीति नहीं करते, हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं। आप बोल रहे हैं कि योगी जी अपने गिद्ध आदमियों को भेज रहे हैं। हाँ, तो इस शब्द का इस्तेमाल किस बेस में कर रहे हैं आप? क्योंकि वहाँ पर जो है जाति ट्रायंगल करा करके दो परिवार अनाथ हो गया। और किसके वजह से अनाथ हुआ? अधिकारियों के लापरवाही और घुसखोरी के वजह से। तो घुसखोरी 7 साल में आया कि पहले था? ना ही, 7 साल में ज़्यादा आ गया है। कैसे? आपको नहीं समझ में आ रहा? नहीं, आप बताइए ना, आप तो राजनीति कर रहे हैं, हम तो 7 साल पहले छह लोगों का जमीनी का कोई नरसंहार याद है आपको? नहीं नहीं, एक नरसंहार होने से 6 सर्टिफिकेट तो नहीं बांटा जा सकता है। तो एक आदमी के पार्टी के विरोध करने से कोई पाकिस्तानी और राष्ट्रद्रोही नहीं हो जाता? ये वो तो बोलते हैं भाई, हमारी राजनीति है हिंदू मुस्लिम करना। उनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का है, तो हमारा राजनीति है जो है कि ऐसे क्रूर विचारधारा का विरोध करना। आप बोले थे ब्रजेश पाठक एक आदमी से जाके मिल रहे हैं सिर्फ मिश्रा जी पांडे जी के घर, यादव जी के घर नहीं गए, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? यानी जातिवाद कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास किसका नारा था? सबसे ब्राह्मण ज्यादा तो भाजपा में ही है। हमको ब्राह्मण की बात छोड़िए, हमको नारा की बात बताइए। तो मोदी जी की बात को लोग अमल करते हैं नहीं करते हैं आपको मोदी तो पता जी की? योगी जी, योगी जी की नहीं, तो मोदी जी का नारा है ना। मोदी जी अलग हैं, योगी जी अलग हैं आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब की बात कर रहा हूं। मोदी जी जो कहते हैं वो योगी जी करते हैं कि नहीं? अब तो आप ही बता सकते हैं ना, क्योंकि आप भी राजनीति करते हैं। अरे आप पत्रकार हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको तो अच्छी तरीके से पता होगा ना कि योगी जी मोदी जी की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अरे मोदी जी जब आवल हैं, जब आते हैं तो मंचवा पे स्वागत करने के लिए जाते हैं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री कौन कहता है? ये तो मंच पर कुछ लोग और बोलते हैं, अलग से कुछ और बोलते हैं। आपके बात से ये नजर आ रही है कि भाजपा में फुटमत हो गया है। नहीं, हम नहीं, हम सर्टिफिकेट नहीं देने मिश्रा जी। नहीं, आपके नहीं, 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 हर नेताओं की बात है कि मंच पर कुछ और बोलेंगे, मंच के बाहर कुछ और बोलेंगे। एक बात बताइए, बताइए कि आदरणीय मोदी जी का आदरणीय योगी जी इज्जत मान मर्यादा सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं आपके निगाह? ना, बिल्कुल करते हैं। उनकी बात मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मानते होंगे ना। अब हम तो बता नहीं कि मानते होंगे। पहले ऐसे आप पत्रकार दिखाई दिए। नहीं नहीं, आप जो ऐसी बात जो योगी और मोदी के जो आप संशय पैदा, नहीं नहीं, ये तो खबर आई भी थी जैसे कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास किसका नारा है, किस पार्टी का नारा है? अच्छा, एक बात और बोले। नहीं, अभी इधर उधर मत। नहीं नहीं, वो सच है, बहुत बताए किस पार्टी का? ये तो भाई पार्टी का नारा है बीजेपी का, सच बीजेपी का है। तो सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास में अगड़ा है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, ऊपर है, निचली है कि नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा, डिप्टी सीएम पूरे प्रदेश का है या सिर्फ एक जाति का है? नहीं, आपके हिसाब से किस जात के हैं? नहीं, हम तो डिप्टी सीएम के निगाह से देख रहे हैं। मान लेंगे पूरे उत्तर प्रदेश सरकार और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं। हाँ, तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि मिश्रा जी के घर गए, यादव जी के घर नहीं? हाँ, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? यही तो हम जानना चाहते हैं, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं गए। ठीक है, आपके हिसाब से जाति बात कर रहे हैं। और आप बयान दिए कि वो जो मारने वाला था वो आरएसएस में जाता था, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आरएसएस के लोग घर में घुस के दंगा, बजरंग दल के लोग जो है हिंसा करते हैं, इतिहास है, मैंने देखा है और मैं बार बार ये बात कहूँगा। तो साबित कौन करेगा कि वो सच में बजरंग दल में जाता था कि बस हवाबाजी? जैसे अब योगी सरकार जांच कराएंगे उसका, ये तो जांच के बाद पता चलेगा मिश्रा जी। हाँ, तो हम कैसे बता? आप पहले ही बोल दे कि नहीं नहीं, वो तो आरएसएस का आदमी था, वो जाता था। हाँ, जाता था, आप जांच कराइए, तो जांच की बात पता चलेगा ना। अरे हम कह रहे हैं ना, देखिए आरोप जब लगेगा आपके ऊपर। आप गए थे कि नहीं दोरी, यही बताइए। नहीं, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? आप क्योंकि हम लासो की राजनीति, आप भी नेता ही हैं। हम लासो की राजनीति नहीं करते। जाना चाहिए ना कम से कम, या तो जिसे जाके मिले होते होगा, जो मिश्रा जी से मिले। तेरही में दोनों के जाएंगे। आप तेरही में क्या करने जाएंगे? अरे तेरही में जाएंगे सांत्वना देने। पहले जाना चाहिए ना, जैसे वो लोग गए आपको भी जाना चाहिए। गाड़ी घोड़ा लाए, नेता ही है, गाड़ी घोड़ा लाए। नहीं, उतना पैसा नहीं मिश्रा जी, हमारे पास कहाँ से पैसा? नहीं, आपके पास पैसा रहे ना, आपको ट्रेन पकड़ के जाना चाहिए। नहीं, तो हम
लोग जाएंगे ना, कब जाएंगे? आप कहें घबरा रहे हैं? हम घबरा नहीं रहे, नहीं, हम आपको जाना चाहिए था, आज हफ्ता दिन से ऊपर है, आपको कम से कम तेरही में जाएंगे भाई, तेरही में तो हम वैसे भी लोग बहुत जाने वाले लोग, तो आपको उसमें क्या दिक्कत है, तेरही में नहीं पहले जाना चाहिए ना, पहले जैसी घटना हुई आपको जाना चाहिए, पहले जो गिद्ध की राजनीति, कमरवादी की पार्टी के नेता हैं भाई, देखिए पहले जो गिद्ध राजनीति करने वाले लोग हैं, पहले सबका चेहरा हम देख लें, हम लोग कॉमन सिविल सोसाइटी वाले लीडर हैं, हम लोग जाति विशेष और मजहब के राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, आप आए होंगे तो पहले पता किए होंगे हमारे, बिल्कुल हाँ, तो आप उस तरीके से हमसे बात करिए, ये जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ये भाजपाइयों का ट्रेंड है, नहीं अब हमें भाजपाई मत बनाइए, नहीं 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 आप बनेंगे क्या, नहीं भाजपाई ऑलरेडी पूरा देश का मीडिया बन चुका है, ऐसा ऐसा ऐसी बात नहीं है, हम लोग का काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब, खाली आपका काम सवाल पूछना, हम क्या करें, सामाजिक चेतना जिस दिन मीडिया के लोग, आप बताइए कि हम मऊ से चल कर आए हैं आपका इंटरव्यू किस किस चीज के लिए, कि आपको बातों को पहुंचाया जा सके, इसीलिए आए हैं ना, आप बताइए मिश्रा जी क्या अभी और बोल लीजिए, मैम सोच नहीं रहे हैं हम, आप सोच कर ही आया हूँ ना कि नहीं आपकी बात पहुँचाया जाए, मिश्रा जी की बात पहुँचाया जाए, मैं बस यही पूछना आया था कि मिश्रा जी अब तक क्यों नहीं गए देवरिया, आपको तो जाना चाहिए था, अब हम बोलेंगे तो बीच में हम नहीं बोले, ये देखिए गोदी मीडिया की तरह व्यवहार यहाँ मत करिए, नहीं ना अब गोदी मीडिया में साबित करिए, तो बोलने दीजिए, बोलिए, हम जाएंगे तेरही में, कोई आपत्ति किसी को हो तो बताइए, आपने कहा पहले क्यों नहीं गए, पहले इसलिए नहीं गए क्योंकि जो ये खूनी राजनीति करने वाले लोग हैं उनका चेहरा आपके सभी सामने खुल के आ जाए, हमारे भी सामने खुल के आए, हम आपको पहले ही कहे कि हम जातिगत और धार्मिकगत जो है कोई राजनीति कर नहीं करते, हम मुद्दागत राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के पहले ऐसे लीडर हैं जो दोनों परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, हम जनरल कास्ट के हैं, मिश्रा हैं, आपको इस बात को सुन करके गर्व नहीं महसूस हुआ क्या, झगड़े जाति के लोग जिसके जाति के 5 लोग मारे गए, मासूम बच्चा भी मारा गया, उस जाति का लोग के भी, उस जाति के एक विशेष नेता के भी दिल में जो है ओबीसी लीडर का, ओबीसी जो नेता था या ओबीसी पिछड़ा कोई भी मारा गया उसके भी परिवार के प्रति, ये गर्व करने की बात आपको तो नहीं आई, ये तो बात है इसलिए तो मैं मानूंगा सर, दूसरी बात आप सुनिए, देखिए इंसानों की तरह इंसान की सोच रख करके बोलिए, नेता ही थोड़ो नहीं है कि बस करो अब हम भगवा पहन लिए, अब हम हिंदू बोल लिए, अब हिंदू पिछड़ा नहीं रह गया, यादव नहीं रह गया, पटेल नहीं हो गया, कल को ठाकुर और पटेलों की लड़ाई होगी तो इसका यह मतलब है कि इस सरकार के जो ठाकुर लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद पे जाएंगे, पटेलों की हिंदुत्व खत्म हो जाएगी, मौर्य एक महिला थी, अभी 1-1.5 महीना हुआ आजमगढ़ में एक महिला का, मौर्य महिला का गर्दन काट दिया गया, शायद आप देखे हों, उस पर वो तो हिंदू नहीं थी, आप बताइए, यानी आपका कहने का मतलब कि बीजेपी चेहरा देखकर राजनीति कर रही है, वोट के समय में जाति की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति करती है, मुद्दे की राजनीति करती हो तो पत्रकार भगवान कसम है आपको, आप भी हिंदू हैं क्या, हैं आप, हम भी हिंदू हैं भाई, अच्छा क्या नाम है पूरा, मदन राज, ओबीसी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो मदन राज जी आपको भगवान की कसम है, दिल पे हाथ रख के बताइए, ये सरकार पक्षपात नहीं करती है, पक्षपात तो पिछली भी सरकार करती थी मिश्रा जी, बस देखने का नजरिया अलग अलग है, हाँ, सपा नहीं किया है, हाँ, तो हम उसको हटाए, हम और आप तो हटाइए, जो भी सारा है आप लोग हटाइए, सुने हम और आप उसको मिलके हटाए ना, पक्षपात का सजा दिए कि नहीं, बिल्कुल इनको मिलना चाहिए कि नहीं, अभी तो दो बार चुनाव जीत गए, इनको मिलना चाहिए कि नहीं, हम दो बार चुनाव जीत गए, हाँ तो बेईमानी से गुंडागर्दी से धन बल से आए हम चुनाव कैसे हारे, अब जब हारेंगे तो बोलेंगे ईवीएम खराब है, नहीं हम तो कभी नहीं जीतेंगे तो नहीं नहीं हम ही नहीं कहे कभी, अब विरोधी नहीं करते, नहीं हम ही नहीं कहे, पता नहीं आप कहाँ सुन लिए कि हम अपने चुनाव हारने का, हमारी बात करिए, हम विपक्ष के नेता हैं, हम भी चुनाव लड़े, हमको आप दरकिनार चुनाव से नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, हमारा कोई एक बयान बताइए जो हम कहे हों कि नहीं ईवीएम से हम चुनाव हारे, हम तो कह रहे हैं कि हम गरीब नेता थे, हमारे पास धन बल नहीं था, हमारे पास बाहुबल नहीं था, हम चुनाव हार गए, हमको आप जो है 2-3 करोड़ रुपया दे दीजिए और उसके बाद भाजपा के किसी भी नेता से चुनाव लड़वाइए, कद्दावर एकदम बूथ बाई बूथ, पैसे धनहीनता के वजह से पिछड़े दलित और सवर्णों में भी जो गरीब नेता है वो इनसे हार रहा है सिर्फ पैसे के वजह से, यानी पैसे वोट खरीदा जा रहा है, हाँ आप एक बयान दिए थे ओम प्रकाश राजभर को लेकर, खास करके बयान देते हैं, मैं देखा
क्या है माजरा, मैं समझ नहीं पाता ओम प्रकाश राजभर से कोई। हमारी तो बात छोड़िए, आप पिछड़ी जाति से अभी बताए हैं जी, क्या है आपका माजरा पूरे देश में? नहीं नहीं आप बताइए आपको क्या दिक्कत है। आए जे पत्रकार और पिछड़ी जाति होने की जिम्मेदार व्यक्ति के कारण आपको प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पिछड़ों और दलितों की स्थिति पे क्या मनोभाव है? सही सही खुल के इंसानों की तरह आज पत्रकार मत बनिए हमारे सामने। ठीक, जो आप बात बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन समझ रहा है आप कहिए ना, मैं तो नहीं कहूँगा ना, आप कहिए, आपका काम है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको पत्रकार की जिम्मेदारी, जब हम ही कहेंगे तब हम तो विपक्ष के नेता बन जाएंगे ना। सुनिए, विपक्ष के नेता और मीडिया कम बनी है, आप लोगों को सत्ता पक्ष का सहयोगी और मीडिया बनने के कारण के वजह से ना मित्र, और यही रवैया जो आप अपना रहे हैं इसके वजह से कई लोग आत्महत्या के कगार पर हैं। सच्चाई सुनिए, बुरा लगेगा, एक मिनट शांत रहिए, ज़्यादा बलबलाइए मत, सुनिए सुनिए ना, जनता आप ही को कहते कहते समझेगी ना, समझ रही है, घबराइए मत, बोलिएगा मत, सुनिए। हाँ रहे हो पत्रकार, समझ रहे हो कि हम कहाँ मार रहे हैं। बोले जो बोलना बोले मिश्र जी, अगर आप जैसे पत्रकारों की जिम्मेदारी और जो बड़का हाउस में बैठ करके संजवा के 7 बजे शुरू करते हैं लाउड स्पीकर अपना, अगर ये अपनी चेतना में होता ना तो हम आप और तमाम ऐसे देश के लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार ना होते, जाति और धार्मिक हिंसा में जलते ना, एक दूसरे को भारतवासी होने के बावजूद भी पाकिस्तानी न कहते, हिंदू हो करके हिंदुओं को माँ बहन की गाली न देते। ये सब क्वालिटी है किसी एक विशेष दल के नेता के अंदर, भाजपा के अंदर। हाँ देखे तो हैं कि नहीं, जाके धरातल पर कहिए ना पब्लिक से कि भैया देश तोड़ रहे हैं, कहने में कोई कमी नहीं है। तो फिर जनता सुन नहीं रही है? नहीं तो जनता सुनेगी ना, कब सुनेगी? जब फिर 24 आ जाएंगे। नहीं नहीं, हाँ 24 हारेंगे और संघर्ष करेंगे। अरे यार आपको तो सल्यूट करना चाहिए कि लगातार हारने वाला विपक्ष आज भी सीना और सर उठा करके तो खड़ा। तो हम बोल रहे ना कि विपक्ष का काम है जो दबे कुचलों की आवाज उठाना, तो काहे नहीं विपक्ष में बस बैठ के पटा रहेंगे जब चुनाव आएगा तरह। हाँ नहीं 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 नहीं, आप कह रहे हैं विपक्ष की बात, हम विपक्ष में बैठ करके अब ब्राह्मण जाति के लोगों की हत्या हुई और हम प्रेमचंद यादव के भी परिवार के लिए न्याय की बात और गुहार कह रहे हैं, अब कौन सा विपक्ष लेना चाहते हैं थोड़ा हमको आप बताइए। और अपने भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार में है, जो शपथ ली थी इस देश के संविधान का बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, उसके कार्रवाई में, हमारे कार्रवाई में हम महान हैं कि नहीं? हाँ या ना बोले आखिरी सवाल ओम प्रकाश, हम महान हैं कि नहीं? नहीं आप हम उन सबों से, उन जल्लादों से, उन कायरों से, उन गुंडों से अच्छे लीडर साबित हुए कि नहीं? एकदम इंसानियत से जवाब दीजिए। ये तो मिश्रा जी जनता तय करती, हम नहीं तय करते। अरे आप व्यक्तिगत बताइए, आपकी ओपिनियन राय अलग बात है, लेकिन आप अपना व्यक्तिगत बताइए। अरे बताइए, चुनाव है भाड़ में के लिए मान लेते हैं कि आप महान, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन कार्रवाई के कार्रवाई सवाल का आखिरी तो हम जवाब तब देंगे जब आप हमारे सवाल का। चलिए मान लेते हैं, क्यों मान लेंगे? आप ठोक के बोलिए कि नहीं मिश्रा जी, आप ऐसा नेता होना चाहिए जो विपक्ष में होने के बावजूद भी जाति और धर्म को ध्यान में नहीं रखता, वो मुद्दे पे बात करता है। आप इस तरीके से बात सच मित्र, आखिरी सवाल ओम प्रकाश राजभर दोनों दलों से मिले, कुछ कहेंगे इस पर? उनको अभी और कई दलों से मिलना है, बेचारे भटकते भारत है, दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं ओम प्रकाश जी, भटकते भारत है। भटकते भारत कैसे हो गए? भटकता तो बिहार में उनकी रैली चल रही है, अभी वो तमिलनाडु में भी कर देंगे भाई, पार्टी तो हर जगह। अरे भाई हमारी शुभकामना ओम प्रकाश जी जो है चेरा पूंजी में कर दें। कौन सी शुभकामनाएं दे रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? करने का तरीका अलग है मिश्रा जी, तो कैसा करें आप? बिहार यूपी की बात छोड़ के चेरा पूंजी चले गए। अरे हाँ आप ही ना कर रहे हैं कि अरे वो करेंगे पार्टी है तो हम कर रहे हैं चेरा पूंजी में भी करें दोनों तरफ कश्मीर, तो आपको बोलना चाहिए ना कि बहुत अच्छी काम है, आप बोले। अरे अभी और दलों में जाएंगे, वो हम कह तो रहे हैं भाजपा में थे वहाँ से मार के भगाए गए। वो तो बोलते हैं कि मैं गठबंधन तोड़ता बनाता हूँ, किसी दल में जाता नहीं। अच्छा तोड़ता बनाता? हाँ, जैसे वो बोले कि सपा समाजवादी भाजपा से गठबंधन किया तो कोई नहीं बोला, मैं कर लेता हूँ तो लोग पिराना शुरू हो जाता है। नहीं कोई पिराना उराना नहीं शुरू हो रहा, अब उनका पिरा रहा है। घोसी में जब इतना बड़े कलाकार जादूगर थे
तो कहीं नहीं जीता। घोसी का चुनाव अलग था मिश्रा जी, क्या था अलग? घोसी का ही रहने वाले हैं। क्या था अलग? वहाँ मुद्दा अलग था, दारा सिंह बार बार पार्टी बदलना, इसके वजह से वो चुनाव हारे थे। अच्छा, क्योंकि तो हम लोग प्रकाश जी का तो क्रेडिट था ना? नहीं, वो तो वोट दिलाए, राजभरों का वोट दिलाए, तो सच। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा, खास करके भाजपा। आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ऐसा ही गठबंधन बनाते रहे बेचारे और आगे बढ़े। यार देखिए, पिछड़ा नेता है, पिछड़ा नेता ओम प्रकाश जी के पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो मेरी तरह बड़ा दिल करके ये कहे कि नहीं यार बनारस वाले मिश्रा जी मुद्दों पर सही बोले। पिछड़ों के नेता हैं, उलूल करें चाहे जुलूल करें, उनके कर्मों का खाजियामा आने वाली नस्ल भुगत रही हैं और भुगतेंगी, लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दें। बनारसी आदमी हूँ अब कायदे से उनके तो जिले के हैं। हाँ, बनारसी आदमी हूँ, हमारा जिला तैयार पूरे देश के कलंक थमा दे, नरेंद्र मोदी के सांसद बने ले दोबार। चलिए ठीक है, ये थे बनारस वाले मिश्रा जी जो अपने बेबाक बातों से जाने जाते हैं और ताल ठोक के भी कहते हैं। इनका राय है कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक जी हैं उनको दोनों दलों से मिलना चाहिए, दोनों घर पे जाना चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल जरूर देखते रहिए।